दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न युक्ति संगत तर्क के अंतर्गत, जो कि सेट के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले निर्देश देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 से 15, नीचे दिए गए वक्तव्यों के आगे दो निष्कर्ष व दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वक्तव्य की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए विकल्पों में कौन सा निश्चित रूप से दिए गए वक्तव्यों में से लिया गया है। अब इसमें कथन दिया हुआ है दोस्तों, कथन दिया है, यदि अकाल होते तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता, मूल्य बढ़ गया है ना, दो चीज़ दिया है, यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ गया है। अब आपको इसमें एक कथन दिया है ना, अब इसमें निष्कर्ष भी दिया गया है। अब निष्कर्ष को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं। तो इसमें दिया है अकाल एक में, और सेकंड में दिया है मुद्रा का अमूल्यन हो गया है। अब आपको निष्कर्ष निकालना है, केवल एक ही निहित है, बी केवल दो ही निहित है, सी ना तो एक और ना ही दो ही निहित है, डी ऑप्शन दिया है ए और एक और दो दोनों निहित हैं। तो आपको अब निष्कर्ष निकालना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसके अनुसार आप जो है इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा है ना, केवल एक ही निहित है। इसका आंसर क्या होगा, केवल एक ही निहित है। आगे देखिए 12वां प्रश्न, कथन दिया है कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, एक्स निर्धन है, निष्कर्ष निकालना है, एक्स चपरासी है, एक्स का परिवार बड़ा है, ठीक है। तो आप अब ऑप्शन देखते हैं, केवल एक ही निहित है, केवल दो ही निहित है, एक और दो दोनों निहित है, ना तो एक और ना ही दो ही निहित है, ऑप्शन दिया आपके सामने। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों ना तो एक और ना ही दो निहित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, कथन दिया है विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट डिग्री रखने वाले होते हैं, एक से एक महिला प्रोफेसर है। अब आपको निष्कर्ष निकालना है, एक से के पास डॉक्टरेट डिग्री नहीं है, केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की शिक्षा रखते हैं। अब आपको ऑप्शन देखना है, ए दिया है एक और दो दोनों निहित है, बी दिया है केवल एक ही निहित है, सी दिया है एक और दो दोनों ही निहित नहीं है, और डी ऑप्शन दिया है केवल एक केवल दो ही निहित है। अब आपको आंसर ढूंढना है। तो इसमें देखिए, एक से के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है ये पूछा गया है, और केवल पुरुष प्रोफेसर हो सकते हैं, तो ये दोनों क्या है, गलत है, निहित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 14, कथन दिया है एक गोल्फ क्लब के सभी सदस्य क्रिकेट गोल्फ के खिलाड़ी नहीं हैं, परंतु वे सभी धनी हैं, सुश्री वाय भी सदस्य है। तो अब आप देखिए निष्कर्ष देखते हैं, एक वह गोल्फ खिलाड़ी है, दो वह धनी है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए केवल एक ही निहित है, बी केवल दो ही निहित है, सी एक और दो दोनों ही निहित है, और ऑप्शन डी दिया है एक और दो दोनों निहित नहीं है। तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा दोस्तों वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों निहित है, ठीक है। 15वां प्रश्न देखिए, कथन दिया है जब वर्षा होती है तो प्रायः एक्स बाहर नहीं जाता, एक्स बाहर गया है, है ना। अब ऑप्शन देख लेते हैं, वर्षा नहीं हो रही है, ऑप्शन सेकंड दिया है एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है। अब निष्कर्ष दिया है उसके अनुसार आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन दिया है केवल एक ही निहित है, केवल दो ही निहित है, एक और दो दोनों निहित है, और एक और दो दोनों निहित नहीं है। अब आपको निकालना है निष्कर्ष। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों निहित नहीं है।
तो ये रहा वीडियो आज का दोस्तों, आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।